मैं इंस्टाग्राम पर अपने इंग्लिश कोर्स से पैसे कमाती हूँ। जी हाँ, जिस इंस्टाग्राम पर मोस्टली यूथ एंटरटेनमेंट के लिए आता है, मैं वहां पर अपने कंटेंट से भी पैसे कमाती हूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज जानवी तनेजा। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, एजुकेटर एंड एंटरप्रेन्योर ऑफ अ ब्रांड नोन एज पायस क्लासेस, जहां पर हम इंग्लिश सीखने में लोगों की मदद करते हैं। और इंस्टाग्राम पे आई हैव 70,000 फॉलोअर्स एट दिस पॉइंट। And also, I'm a medical student apparently. जोश मनी की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप Instagram से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अगर हम Instagram की बात करें तो currently Instagram पर 1 billion active users हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा users 19 to 32 years के age group के लोग हैं। और पिछले कुछ टाइम में सोशल मीडिया की तरफ यूथ का जो अटेंशन बढ़ा है, वो शायद ही कहीं और बढ़ा होगा। तो क्यों ना हम इस टाइम को कुछ अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। तो मैं आपको Instagram के कुछ हैक्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले, जो बहुत कम लोगों को पता है, इंस्टाग्राम पर दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए बनाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल अकाउंट में हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक या बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट डालकर उससे अपनी रीच बढ़ाकर अर्निंग कर सकते हैं। प्रोफेशनल अकाउंट में आपको सबसे पहले अपना एक टॉपिक डिसाइड करना होगा जिससे रिलेटेड आप कॉन्टेंट डालना चाहते हैं। यहाँ आप ध्यान रखें कि वो टॉपिक हमेशा ऐसा चूज करिए जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज हो, यानी कि जो बाकी लोग उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनसे आपका कंटेंट डिफरेंट और यूनिक होना चाहिए। क्योंकि हम खुद भी वही कंटेंट देखना प्रेफर करते हैं जो अलग, इजीली अंडरस्टैंडेबल और अपीलिंग हो, टू जस्ट मेक श्योर कि आपका कंटेंट भी यूनिक हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो लोग ज्यादा देख रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने एक रिसर्च किया है। देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो लोग ज्यादा देख रहे हैं, जैसे फूड, फैशन, हेल्थ एंड फिटनेस, एजुकेशन, स्टॉक्स, इन्वेस्टिंग एंड मेनी मोर। तो ये वो कैटेगरी है जिनसे रिलेटेड कंटेंट बनाकर क्रिएटर्स सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है और आप अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करते रहते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने इंस्टाग्राम पर एक ट्रैवल पेज ज़रूर बनाएं, जिस पर आप उन डेस्टिनेशन के वीडियो या रिलेटेड पोस्ट डालकर अपनी पेज की रीच बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटी। मोस्टली गर्ल्स या वुमेन इन कंटेंट को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। तो अगर आप इस टॉपिक या ब्यूटी से रिलेटेड होम रेमेडीज में इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं, तो आप इन पर वीडियोस बनाकर लोगों को अवेयर कर सकती हैं। इस तरह फोटोग्राफी, फैशन, एजुकेशन, फूड पर कॉन्टेंट बनाकर इंस्टाग्राम पर अपने प्रोफेशनल अकाउंट से अर्निंग कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा, कॉन्टेंट तो हम बना लेंगे लेकिन अर्निंग कैसे होगी या उसका क्या क्राइटेरिया है? तो इसको जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज आपको फोटोग्राफी का शौक है, तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पर अपना एक पेज क्रिएट करना होगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि अपने पेज का नाम हमेशा ऐसा चूज कीजिए जो एकदम कैची सा हो। ज्यादा डिफिकल्ट नाम लोगों को याद भी नहीं रहता और इससे वहीं पर लोगों की इंटरेस्ट भी खत्म हो जाती है। उसके बाद उस पर रिलेटेड कॉन्टेंट डालकर अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी रीच बढ़ेगी, आप फॉलोअर्स गेन करेंगे और आपका कंटेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो इससे रिलेटेड ब्रांड्स, कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस आपको अपने प्रोडक्ट को इंडोर्स करने के लिए कांटेक्ट करेंगी और इससे आपकी अर्निंग होगी। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट बेसिकली चार तरीके से डाल सकते हैं, स्टोरी, ग्राफिक्स, रील्स एंड आईजीटीवी। तो मेरा सजेशन यहाँ पर यही होगा कि आप कॉन्टेंट में वैरायटी जरूर रखिए। सिर्फ एक ही तरीके के पोस्ट करना आपके एनालिटिक्स को काफी अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए कभी आप रील्स डालिएगा, कभी आईजीटीवी और कभी ग्राफिक्स। और अगर हम स्टोरी की बात करें, तो स्टोरी अपनी ऑडियंस से एंगेजमेंट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पर क्वेश्चंस, क्विज, लाइव सेशंस, Q&A एक्सेट्रा से रिलेटेड स्टोरीज डालकर अपने पेज पर एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर रीच कैसे बढ़ती है? तो आप जो भी पोस्ट इंस्टाग्राम पर करें, उसकी रीच बढ़ाने में हैशटैग और टैग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि टैग्स और हैशटैग्स हमेशा कंटेंट से रिलेटेड ही होने चाहिए। इसके लिए जो लोग सिमिलर कंटेंट बना रहे हैं, आप उनके हैशटैग्स और टैग्स से आइडिया ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप उस फील्ड के इन्फ्लुएंसर्स को टैग जरूर करें, क्योंकि अगर वो आपका कंटेंट कभी रीशेयर करते हैं तो इससे आपकी एंगेजमेंट और फॉलोअर्स दोनों गेन हो सकते हैं। यहाँ पर ये तो ऑब्वियस है कि हम सभी का हर फील्ड में एक फेवरेट इन्फ्लुएंसर होता है,
तो हमें कभी भी जब उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम डायरेक्टली उनकी पेज पर जाते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। तो इंस्टाग्राम में एक बार जैसे ही आपकी रीच, फॉलोअर्स और एंगेजमेंट बढ़ते हैं, आपके पास ब्रांड कोलैबोरेशंस और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से रिलेटेड प्रपोजल आते रहते हैं। इसलिए एज अ स्टूडेंट और अ बिगिनर, आपके लिए इंस्टाग्राम अर्निंग के लिए बेस्ट सोर्स हो सकता है। ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंस्टाग्राम के थ्रू ना ही सिर्फ लाखों में पैसे कमा रहे हैं पर उनकी पॉपुलैरिटी भी लोगों में बहुत बढ़ रही है, जैसे कनक कथूरिया, प्राजक्ता कोरी, ध्रुव शाह, कृतिका खुराना, मालविका सतलानी। ऐसे ही और भी कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में ना सिर्फ इंस्टाग्राम से लाखों रुपए कमा रहे हैं बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी भी लोगों में काफी ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसे कमा सकते हैं। जब भी आप लिंक्स शेयर करते हैं और लोग उन लिंक से चीजें खरीदते हैं, आपको उसका कुछ कमीशन अपने अकाउंट में मिलता है। ये थे वो कुछ तरीके जिनसे यूज़ करके मैंने इंस्टाग्राम से पैसे कमाए और ग्रोथ करी। आप इनमें से कौन से तरीके यूज़ करना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।